नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत के बारे में जिन्होंने बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी अपनी पहुंच बनाई। एक संत के साथ साथ उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की बात कही। तो आज हम बात करते हैं कृपाणी महाराज के बारे में। किसी भी देश के निर्माण में वहां रहने वाले हर व्यक्ति का एक अहम योगदान होता है, जो यह दिखाता है कि देश के प्रति लोगों का कितना प्यार है। बात 40 के दशक की, जब देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था। 40 का दशक देश की आज़ादी का दशक था। इस दौरान देश में साधु संतों की पूरे देश में धूम थी। इस समय एक ऐसे संत हुए जिन्होंने हिंदू सरोकार को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की थी। कुछ ही दिनों के बाद उन्हें देश के सबसे बड़े संत माने जाने लगा। इनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी बर्तन में नहीं खाते थे, वो अपने हाथ को ही खाने का पात्र बना लिया था, इसलिए उनका नाम करपात्री जी महाराज पड़ गया। धीरे धीरे करपात्री जी महाराज हिंदुओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गए। उनकी पहुंच अब राजनीति में भी शुरू हो गई थी। देश के बड़े बड़े नेता उन्हें बड़े सम्मान और आदर के साथ बुलाते थे। देश में आजादी के बाद नेहरू सरकार के हिंदू कोट बिल के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा। बाद में उन्होंने गोरक्षा पर भी बड़ा अभियान चलाया। स्वामी करपात्री जी महाराज चाहते थे कि आजादी के बाद देश में हिंदू राज की स्थापना हो। इसके बाद उन्होंने 1948 में एक सियासी पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने अखिल भारतीय राम राज परिषद रखा। इस पार्टी का एजेंडा था हिंदुत्व राष्ट्रवाद। उनकी पार्टी को साल 1950 से 1960 के सालों में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल हुई। जब करपात्री जी महाराज चुनाव प्रचार में जाते तो बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते, उन्हें सुनने के लिए आते। आपको बता दें कि उन्हें देश के शीर्ष नेताओं के साथ व्यापारियों का भी समर्थन प्राप्त था। व्यापारी उन्हें आर्थिक मदद करते थे। साल 1952, 1957 और 1962 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे। साल 1952 में बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्होंने 29 और 95 उम्मीदवार उतारे, जिसमें से एक एक विधायक जीतकर सदन में पहुंचे। उन्हें राजनीतिक रूप में सबसे बड़ी कामयाबी राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली, जब 1957 में उन्होंने 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 17 विधायक जीतकर सदन में पहुंचे। इसके बाद उन्हें एक सियासी ताकत मिलनी शुरू हो गई थी। करपात्री जी महाराज की नजर विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव पर भी थी। 1962 के लोकसभा चुनाव में राम राज परिषद के 2 उम्मीदवार जीतकर लोकसभा पहुंचे। इसके बाद से राम राज परिषद पार्टी देश में एक हिंदू छवि की पार्टी बन गई। हालांकि बाद में राम राज परिषद का विलय भारतीय जनसंघ में हो गया, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के रूप में है। आपको बता दें कि स्वामी करपात्री जी महाराज का निधन 75 साल की आयु में वाराणसी में हो गया। उन्होंने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय वाराणसी में ही बिताया था। उनका मूल नाम हरि नारायण ओझा था। वे दशनामी परंपरा के सन्यासी थे। स्वामी जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार कोई चीज पढ़ लेने के बाद वे वर्षों तक याद रखते थे। उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वे किताब के नाम, चैप्टर और पन्नों की संख्या तक बताते थे। उन्होंने वाराणसी में रहते हुए एक अखबार का प्रकाशन शुरू किया था, जिसका नाम सन्मार्ग अखबार है। यह अखबार आज भी प्रकाशित होता है। हम ऐसे ही आगे सामाजिक सरोकार और सामाजिक समरसता से जुड़े हुए व्यक्तियों के बारे में बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे बिहारी न्यूज के साथ।